मेरे बच्चे, उसे होश आ गया। मेरे बच्चे को होश आ गया। मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो ना? ये बिल्कुल ठीक है, ये अब ठीक से बोल भी रहा है। बोल रहा है? क्या बोला? आई लव यू बोला। आई लव यू टू बेटा। आई लव यू बेटा। अरे नहीं, उसने हेट को आई लव यू बोला था। कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुमसे प्यार करता हूँ। आराम से, वो पूरी तरह ठीक नहीं हुए, डॉक्टर गुस्सा करेंगे। आराम से, आराम से, पीछा जाइए। ठीक है, समझ गए। जीजा जी, आप ठीक हो गए। हमें तुम पर नाज है बेटा। वाह, एकदम फिल्मों जैसा शूट आउट, वो भी कोरिया में। पता नहीं मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ या फिर किसी अमेरिकन क्राइम ड्रामा में, समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे तो ये कोरियन हिस्टोरिकल ड्रामा ज्यादा लग रही है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं हिस्ट्री ग्रेजुएट हूँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये सब कुछ एम्पायर पर कब्जा करने की जंग ज्यादा लगती है, जहाँ दो राजा एक दूसरे को मारने पर तुल हैं और खून की नदियाँ। ऐसा नहीं है, ये तो एक रोमांटिक कहानी है, जैसे बैटमैन द डार्क नाइट की थी। बैटमैन में रोमांस? रोमांस ही तो है, तुमने देखा नहीं? बैटमैन सिर्फ गोथम सिटी और जिसे प्यार करता है सिर्फ उसे बचाने के लिए जीता है, या समझो टाइटैनिक है, जिसमें वो अपनी लवर को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। हमें इन स्टोरीज से कोई लेना देना नहीं है, मुद्दे पर आते हैं। तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा? ये क्विंस फैमिली अपना खोया हुआ एम्पायर वापस लेने में कामयाब होगी? क्यों, तुम नहीं चाहते ऐसा हो? तुम भी तो मिस्टर होंगसुचोल को रोज मैसेज किया करते थे। अभी मैसेज कर दूं? कोई फायदा नहीं। खैर, वक्त के साथ मुझे इतना तो पता चल ही गया है, दोस्ती, मोहब्बत, साथ, वफादारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही ये सब दिखते नहीं है, पर इनकी अहमियत सच में बहुत है। इनके बिना आप एक अच्छे इंसान नहीं कहला सकते। मैं उस दिन आपसे ठीक से मिल नहीं पाया, तो मुलाकात नहीं हो पाई। मैं योनू का दोस्त हूँ, किम यांगी। जानती हूँ। अब जानती हूँ। मैंने जो डायरी लिखी थी उसमें बेक्योनू से जुड़े हर शख्स के बारे में कुछ लिखा था। तो मेरे बारे में क्या लिखा? हमारे डिवोर्स के वक्त तुम योनू के वकील थे। अच्छा, मैं कोई बहाना नहीं दे रहा हूँ, हालांकि मैं योनू का वकील था, पर मैंने कभी तरफदारी नहीं की, बल्कि उसे डांटता था कि तुमने ऐसा क्यों किया, और मनाने की कोशिश की, पर